Governance and management. Looking at the governance and management of education in the province, we see that this runs through all educational functions. And issues that we will be looking at include political support to the sector, managerial efficiency, decision making support systems, community involvement, and finally, inclusion of parallel education systems like private schools and madrasas into mainstream education policy.

और हम ये देखते हैं कि जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हैं वो कहाँ से स्टैम्प कर रहे हैं वो या तो स्टैम्प करते हैं किसी करप्शन अपॉर्चुनिटी में से या स्टैम्प कर रहे हैं उन एफिलिएशंस में से जो इंडिविजुअल्स की हैं मुख्त पॉलिटिकल पार्टीज के साथ या उनके अपने पर्सनल बेनिफिट्स जो है इसमें शामिल है जिससे डिपार्टमेंट की जो एफिशेंसी है वो कम्पलीटली अंडरमाइन हो जाती है अब रिजल्ट ये होता है कि ये ऑब्स्ट्रक्ट करती है डिपार्टमेंट की कोई भी अच्छी इंटेंशन और कैपेसिटीज जो हैं उन सब को जो है बुरी तरह से ये चीज इफेक्ट करती है और फिर हम ये देखते हैं कि ये सब होता किस तरह से है कि हम ये देखते हैं कि ट्रेडिशनली जो टीचर्स एसोसिएशन हैं ये एक मेन ऑब्जेक्ट हैं ऐसा जो कि जो कि किसी भी तरह से इन्वॉल्व होता हुआ नजर आता है हमें इन पोलिटिकल मोटिवस के पीछे क्योंकि इसी की वजह से अनरेस्ट पैदा होता है और फिर जब आप टीचर एसोसिएशन के जरिए से इफेक्ट करते हैं मैनेजमेंट डिसीजंस को तो उसके रिजल्ट में हम ये देखते हैं कि जो मेरिट है उसकी खस्ता हाली सामने आती है और बहुत से ऐसे लोग जो फंक्शनल नहीं हैं वो हमें फंक्शन करते हुए नजर आते हैं सेकेंडली जब मैनेजेरियल एफिशिएंसी की हम बात करें तो मैनेजरियल एफिशियंसी क्या है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर्स कि ये इंडिविजुअल की कैपेसिटी का भी नाम है और इंस्टीट्यूशन की जो प्रैक्टिसेस और स्ट्रक्चर्स हैं उन दोनों को मिलाने का इन दोनों को मिलकर जो रिजल्ट सामने आता है उसे हम मैनेजेरियल एफिशिएंसी का नाम देते हैं अब ऐसे देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स क्या हैं थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल वर्क इन द डिपार्टमेंट तीन तरह के अफराद हैं जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं पहले द मैनेजर्स फ्रॉम एलीट जर्नलिस्ट गेडर्स ऑफ द सिविल सर्विस यानी ऐसे मैनेजर्स जो कि एलिट सिविल सर्विस से हैं जो कि प्रोविंशल और फेडरल दोनों में है सेकेंडली हम ये देखते हैं कि जो टीचिंग केडर से लोग हैं जो सात कराम है, वो हैं और तीसरे वो लोग हैं जो स्पेषलाइज्ड केडर यानी खसूस जो नौकरियां हैं डिपार्टमेंट की जिस तरह के ऑफिशल्स हैं बी ओ सी के बी आई एस सी के बी टी बी बी के और ईच ऑफ दिस केडर्स ब्रिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्सपर्टीज टू द मैनेजमेंट ऑफ द सेक्टर यानी बलोचिस्तान टेक्सट बुक बोर्ड के अगर कुछ लोग हैं तो उनकी मुख्तलिफ एक्सपर्टीज हैं और बलोचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसकी मुख्तलिफ जो हैं वो खसूसियात होंगी तो ये लोग भी अपने नये तरह की मैनेजरियल स्किल्स जो हैं उनको लेकर सामने आते हैं एक और जो क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन का है सेंट्रलाइजेशन यानी तमाम चीजें एक ही जगह से कंट्रोल की जा रही है और हम ये देखते हैं कि मैनी ऑफ द रूटीन मैनेजरियल डिसीजन हैव बीन सेंट्रलाइज एट दी सेक्रेटेरियट लेवल यानी प्रोविंशियल जो सेक्रेटेरियट है वहीं से आपके रूटीन डिसीजंस भी जो हैं उनको कंट्रोल किया जाता है और उसकी वजह से क्या हो रहा है हम ये देखते हैं कि पचास हजार एम्प्लॉयज हैं जो डिपार्टमेंट है, ऑफ स्कूल एजुकेशन के हैं कैन नॉट फंक्शन विद द सेंट्रलाइजेशन ऑफ रूटीन डिसीजन यानी इतने ज्यादा अफराद जो हैं वो अपनी रूटीन डिसीजन के लिए सेंट्रलाइजेशन के जरिए कंट्रोल नहीं हो सकते और फिर जिस तरह के रूटीन के हैं जिनमें ट्रांसफर्स हैं पोस्टिंग्स हैं और एवरीडे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं अब देखिए कि अगर हम ये सब कुछ जो है वो एक जगह से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो यकीन जो एफिशेंसी है उस पर असर पड़ेगा इसके साथ ना न सिर्फ ये कि हम देखते हैं कि लोअर मैनेजर्स डिसम्पावर हो जाते हैं कि उनके पास से जो काम करने की कूवत है वो उनसे छीन ली जाती है यानी उनके पास ऐसा कोई जो है वो काम नहीं रहता जिसे करके वो अपने फंक्शंस को अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसे साबित कर सके और फिर उसके साथ साथ ये अननेसेसरी बर्डन भी दे देता है ऑपरेशन को पॉलिसी लेवल के ऊपर यानी वहां पे जहां पॉलिसीज बननी चाहिए वो रूटीन डिसीजंस जो हैं उनको डील करते हुए हमें नजर आते हैं